हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। दोस्तों आज फ्राइडे का दिन था और मकर संक्रांति भी थी, तो सब में पहले हैप्पी फ्राइडे एंड हैप्पी मकर संक्रांति। और जैसे मकर संक्रांति के दिन दोस्तों जयपुर में मैंने एक माहौल देखा है कि सारे ही जो यंगस्टर है या बच्चे जो भी है ना, बड़े बूढ़े मान लो जो भी हो, सारे पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ती भी आपको छतों में दिख भी रही है। फिर हमने क्या सोचा, आज चलो कोई ना कोई गांव की तरफ जाते हैं, अगर कोई अच्छे बकरे या कोई भेड़ पालक या बड़े बकरे जो भी दिख गया उनका वीडियो बना लेंगे। लेकिन आज हमसे थोड़ी सी ये गलती हुई कि हमने एक्टिवा लेके गए थे तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए, और फ्राइडे का दिन भी था, नमाज भी थी, तो इसलिए थोड़ा सा एक चक्कर लगा के हम लोग रिटर्न आ गए थे दोस्तों। लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात मेरे को दिखी, मकर संक्रांति के दिन मैंने देखा कि ना ऑलमोस्ट जो गाय या जो बैल होते थे बेचारे, वो पहले भूखे ही रहते थे, मींस उनको ना यहाँ वहाँ खाने के लिए तलाश करना पड़ता था। आज बहुत सारे लोग हैं ना, उनको घास खिला रहे थे, कोई भूसा खिला रहा था, तो देख के बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ साल भर जो पशु है, जो बेजुबान है, अगर हम उनकी हेल्प करें तो अच्छा ही है। और साथ ही साथ जैसे हम आगे बढ़े तो ये बहुत शानदार हमें बकरा दिखा दोस्तों। इसके जो पैर बांधे गए ना, वो इसलिए बांधे गए हैं ताकि जो बकरी ब्रीड हो चुकी है, बच्चा दे दी, तो ये अभी बिना टाइम के मेटिंग ना हो जाए, इसलिए उसके पैर बांध देते हैं गुजर लोग। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक भेड़ पालक भाई दिखे हमें, जिनके पास बहुत सारी भेड़ें थी, वो चरा रहे थे। हमने सोचा उनका इंटरव्यू लें, लेकिन वो थोड़े शाय किस्म के थे, शर्मा रहे थे, तो फिर हमने उन्हें ज़्यादा परेशान करना नहीं समझा बेहतर, और फिर थोड़ा सा एक वीडियो बना के हम चले गए वहाँ से। ताऊ जी, ये गवार का भूसा डाल रखे हो क्या आपने? हाँ। तो ये मतलब गवार का भूसा खुद लाके डालते हो क्या? ये मतलब साथ में ले? तो कहे आज गांव का पटका जो। अच्छा, गांव वाले पटक के चले गए क्या मकर संक्रांति की वजह से? अच्छा, इतनी सारी भेड़े अकेले चला लेते हो क्या ताऊ जी? नहीं, नहीं। दो जन चलाते है क्या भेड़े? दो जन संभालते क्या भेड़े इतनी सारी? बकरा कोई भी नहीं है क्या इसमें? उस्ताद, अच्छा आज मकर संक्रांति के वजह से मैंने एक बात देखी कि ना लोग ना अनाज खाना डाल रहे हैं ना गाय वास्ते। या हम भी बकरा पालते, हम तो बकरा लेने आज निकले, हमारी छुट्टी थी ढूंढने के लिए, देखते हैं और आगे। इसको क्या बेचते हो क्या बाद में? इसको बेचते हो क्या बाद में? नहीं बेचते। फिर इसका ऊन बिकता होगा ना भाई? ऊन बिकता है क्या? ऊन बिकता। ये पालते हो तो कुछ ना कुछ तो काम आता होगा, या तो दूध निकालते होंगे, या तो बेचते हो गए, या तो ऊन निकालते हो, तो क्या काम आता है इसको? मतलब ऊन के काम में आता है, ऊन बिकता है। अब कपास चल लेगी नहीं तो ऊन तो बहुत महंगी। ये महंगी बिकती है क्या बाद में अगर कपास के नहीं चलती तो? आपके पास भी खूब जमा होगी कपास, कितने मन है? छह महीने की जमा है क्या कपास आपके पास? थारा माल से भाई, बड़ो बकरा नहीं क्या थारगड़े? अरे थे बता दे बच्चों का, थे बता दे। अरे बेच वाली तो थारा माल से भाई, मैं क्या बताऊं? अरे है तो अपना पतंग तो कभी भी उड़ा ले अपन। ये थोड़ी उड़ी रही, ये तो उड़ ले रही का, ये तो भूखी मर जाएगी भाई। Thank you.